मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा है कि परिवारवाद के कारण बिहार का बड़ा नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार गरीबों और महिलाओं के जीवन की कठिनाइयां को कम करने का काम कर रही है। गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाइयां कम हो, इसलिए मोदी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस का कनेक्शन लग रहा है, नल से जल की सुविधा हो रही है, ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसलिए मोदी रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है, एम्स बना रहा है, आईआईटी बना रहा है, आईआईएम बना रहा है। ऐसे आधुनिक शिक्षण संस्थान मेरे नौजवानों के भविष्य के लिए बना रहा है। मैं चाहता हूं मेरे देश के किसानों की आय बढ़े, वो और सशक्त हो, इसलिए मोदी अपने अन्नदाता परिवार को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है। आज बिहार समेत देश भर में इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि गन्ना किसानों, धान किसानों की उपज से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बढ़े। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में बिहार में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। बिहार के मेरे छोटे छोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब 800 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले हैं। और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां बरौनी का खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था, इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है। और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।